आज के टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि ऑटो कैड की इंस्टॉलेशन के बाद जब हम ऑटो कैड ओपन करते हैं तो डिफरेंट जो हमारी वर्क स्पेस सेटिंग्स हैं उसको हम किस तरह चेंज कर सकते हैं। पर्टिकुलरली स्टार्ट वाले टॉपिक के अंदर हमने देखा था कि जब ऑटो कैड में हम वर्क करते हैं तो हमारे पास टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो स्टार्ट के लेक्चर में हम चेक करेंगे कि हम इन वर्जन्स को स्विच कैसे कर सकते हैं और ऑटो कैड 2016 जो वर्जन जो हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर जो 2D की बेसिक क्लासिक सेटिंग्स हैं वो इन्होंने इस दफ़ा रिमूव कर दी हैं। और इस टाइम जब आप कैड ओपन करेंगे तो आपके सामने जिस जो वर्जन आप देखेंगे बेसिकली वो आपका मॉडलिंग 3D मॉडलिंग या ड्राफ्टिंग एनोटेशन वर्जन है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम कन्वर्ट करेंगे इनिशियली अपनी सेटिंग्स को चेंज करेंगे ताकि क्योंकि स्टार्ट के हमारे जो लेक्चर हैं वो टू डायमेंशनल हैं, हमने उसके 2D ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। तो स्टार्ट में हम टू डायमेंशन के अंदर अपनी वर्क स्पेस सेटिंग को भी सेट कर देंगे ताकि हमें ऑब्जेक्ट्स बनाने में आसानी हो। अब क्वेश्चन आता है कि इन टू डी के अंदर कन्वर्ट हमने क्यों करना है, तो इसकी रीज़न ये है कि 2D के अंदर जब हम कन्वर्ट करेंगे तो बिगिनर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि टूल्स हमारे लिए ईजी और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। थ्री डायमेंशन के अंदर अगर हम अभी कैड के अंदर जब चेक करेंगे तो इतनी ज़्यादा आपको मल्टीपल टूल्स नज़र आएंगे तो स्टार्ट में कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। और क्योंकि हमने 2D के अंदर वर्क करना है तो बेसिकली हम 2D से ही स्टार्ट करते हैं और देन हम स्विच करेंगे जब नेक्स्ट लेक्चर्स में ऑनवर्ड जाएंगे टूवर्ड थ्री डायमेंशनल। तो आइए देखते हैं कि हम इसको ऑटो कैड के अंदर कैसे परफॉर्म करते हैं। ऑटो कैड इंस्टॉलेशन के बाद जो कि हमने लास्ट टॉपिक में की है, जब आप अपने डेस्कटॉप पे आएंगे तो आपके सामने ये आइकन नज़र आ रहा होगा आपको, ऑटो कैड 2016 और इंग्लिश वर्जन क्योंकि हमने वहाँ लैंग्वेज जब सिलेक्ट की थी। दिस आइकन अगेन प्लीज रिमेम्बर, आप इसको यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ आप इसको सर्च बार से भी इफ यू वॉन्ट टू एक्सेस दिस वन आप यहाँ पे ऑटो कैड 2016 वर्जन, तो ये दोनों आपके सामने अवेलेबल हैं और आप इसको दो जगह से एक्सेस कर सकते हैं। तो आप इसके ऊपर दिस आइकॉन अगेन प्लीज आप इसको देखें और हम इस पे डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने जो है वो ऑटो डेस्क ऑटो कैड 2016 जो है ओपन हो रहा है। इसके प्रीवियस वर्जन की ओपनिंग रिलेटिवली आसान थी, क्विक हो जाती थी, इसमें थोड़ा सा क्योंकि सेटिंग्स और कमांड्स उन्होंने नई ऐड की हैं तो ये हमारे सामने एक इंटरफेस है जो क्लिक करने के बाद ओपन हुआ है। अगर आप ये कर्सर देखें जहाँ पे हम और दिस एक्चुअली व्हाट इज सेइंग स्टार्ट ड्राइंग, तो यहाँ से हम स्टार्ट ड्राइंग रीसेंट डॉक्यूमेंट्स हम आगे देखते हैं कि अगर हमारी ऐसी ड्राइंग जो हमने अभी रिसेंटली ओपन की हो और क्लोज किया हो वो यहाँ इसको शो करेगा और नोटिफिकेशन साइन इन, तो ये स्टार्ट ड्राइंग एंड देन इवन हम यहाँ से कोई फाइल्स ऑलरेडी सेव्ड होंगी तो ओपन भी कर सकते हैं। बट एज दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर सो विल स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टार्ट ड्राइंग। अब जैसे ही स्टार्ट ड्राइंग क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट इंटरफेस ऑफ ऑटो कैड 2016, ये कोई सेटिंग्स आपने इसके अंदर अभी चेंज नहीं की एंड दिस इज एक्चुअली बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम ने ऑलरेडी सेटिंग्स की हैं। तो जैसा कि हमने इस टॉपिक के स्टार्ट में देखा, अगर आप ये नोट करें तो दिस वॉज वट आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि ये बहुत सारी मल्टीपल टूल्स हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये कर्सर जहाँ जहाँ से मूव कर रहा है अगर आप नोट करें तो एक बिगनर के लिए बहुत ही मुश्किल होगा स्टार्ट में इन सारी टूल से। और अब हम चेक करेंगे इनिशियली कि ये इसका जो ये वर्क स्पेस है ये कौन सी है। इस वर्क स्पेस को चेक करने के लिए अगर आप अपनी स्क्रीन के नीचे बॉटम में आए और ये जहाँ पे अभी मेरा कर्सर मूव कर रहा है अगर आप यहाँ पे नोट करें ये कर्सर और यहाँ पे आप अगर क्लिक कर रहे हैं तो ये वर्क स्पेस स्विचिंग आपके पास ऑप्शन नज़र आ रही है। प्लीज़ अगर आप इसको दोबारा गौर से देखें दिस कर्सर जहाँ पे ये नज़र आ रहा है ये आपका ऑलमोस्ट बॉटम राइट कॉर्नर है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो दिस इज एक्चुअली ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। अभी जो हमारा वर्जन जिसमें हम वर्क कर रहे हैं दिस इज ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन और यहाँ पे 3D वर्जन भी अवेलेबल है। बट अगर हम नोट करें तो यहाँ पे बेसिक वर्जन जो पहले ऑटो कैड में क्लासिक वर्जन था वो मिसिंग है जो कि हमने खुद क्रिएट करना है। उस वर्जन को क्रिएट करने के लिए अब हम कुछ सेटिंग्स करेंगे, कुछ स्टेप्स परफॉर्म करेंगे और इसके बाद हम इस वर्क स्पेस को सेव कर लेंगे ऑनवर्ड, ताकि ऑनवर्ड जब भी हम वर्क करें तो हमें बार बार ये स्पेस स्विचिंग ना करनी पड़े। सो हम स्टेप्स की तरफ मूव करते हैं, पर्पज हमारा क्लियर हो गया। हम ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन से एक नई वर्क स्पेस क्रिएट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम वर्क करेंगे। तो स्टेप नंबर वन, इसके लिए आपने ये बिल्कुल टॉप पे जहाँ पे अभी कर्सर मेरा मूव कर रहा है दिस कमांड दिस इज एक्चुअली कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार।
ये कमांड का नाम अगर आप देखें कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, और ये बिल्कुल जहां पे आपका आइकॉन नजर आ रहा है टॉप में आपको आपके ऑटो कैड का, इसके सामने अगर आप देखें तो दिस इज एक्चुअली द टूल, ये कर्सर यहाँ पे मूव कर रहा है और इस पर अगर आप लेफ्ट क्लिक करें तो सबसे पहला जो आपने स्टेप परफॉर्म करना है आपने शो मेनू बार यहाँ पे आपने क्लिक करनी है। ये स्टेप नंबर वन है आज के इस लेक्चर का, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम शो मेनू बार क्विक एक्सेस कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार से हमने शो मेनू बार पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास थोड़ा सा स्लाइटली इंटरफेस के अंदर डिफरेंस आएगा एज कंपेयर टू द ओरिजिनल वन, जो जैसा कि हमने स्टार्ट किया था। अब अगर आप नोट करें तो यहाँ पे एक नया मेनू बार भी ऐड हो गया है, दैट इज फाइल एडिट व्यू इंसर्ट फॉर्मेट टूल्स ड्रॉ डायमेंशन, और लेकिन वो ओरिजिनल भी अवेलेबल है जो ऑलरेडी ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन है। अब एक्चुअली अगर आप गौर करें तो ये वो वर्जन है, दिस वन, ये जो नजर आ रहा है ये है क्लासिक, और हमने इसकी तरफ ही मूव करना है। तो हम स्विच ऑफ कर देंगे इस वर्जन को, अभी ये दोनों वर्जन ही नोट कर रहा है। तो स्टेप वन हमारा कंप्लीट हो चुका जिसमें हमने कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार से मेनू बार को शो किया। अब हम स्टेप टू की तरफ जा रहे हैं। स्टेप टू के लिए आपने टूल्स पे क्लिक करना है, और टूल्स पे क्लिक करने के बाद आपने पैलेट्स कमांड आपको नजर आ रही है, दिस कमांड फ्रॉम टूल्स यू नीड टू क्लिक ऑन पैलेट्स, और यहां पे आपने रिबन पे क्लिक कर देनी। जैसे ही आप रिबन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो सारे ड्राफ्टिंग एनोटेशन की जो शॉर्ट कमांड्स थी, जो जो शॉर्ट कीज नजर आ रही थी, वो ऑफ हो जाएंगी और आपके पास स्पेस भी बढ़ गई है और आपके पास जस्ट क्लासिक वर्जन की कुछ फाइल्स जो हैं वो नजर आ रही हैं। बट अब इसके अंदर हम थोड़ी सी वही सेटिंग्स कर लेंगे जो सिंपल हमारे लिए आगे आसान। अब कुछ हम टूल बार्स ऐड कर लेते हैं। रिबन कमांड ऑफ करने के बाद हमारे पास स्क्रीन में एक बेसिक 2D क्लासिक की सेटिंग्स अगर आप नोट करें तो ये नज़र आ रही हैं, जिसमें से वो सारी हमारे जो आइकॉन्स थे जो शॉर्ट कीज नज़र आ रही थी वो सारे उसके वो ऑफ हो गए हैं। अब हम अगर टूल्स पे क्लिक करें और हम टूल बार्स पे आते हैं तो यहाँ से टूल्स देन टूल बार्स एंड देन ऑटो कैड, तो यहाँ पे आप नोट करें तो ये काफ़ी सारे टूल बार्स आपके पास नज़र आ रहे हैं जिनको आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। अब हम कुछ चीज़ों को यहाँ से टर्न ऑन कर लेते हैं। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो ऑटो कैड की सेटिंग्स के लिए ये वो या वो टूल्स हैं जो आप बार बार इस्तेमाल करते रहेंगे, उनको हम स्क्रीन पे ऑलरेडी ऑन करके रख देते हैं ताकि हमें बार बार उनकी एक्सेस ना करनी पड़े। जिनमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो ड्रॉ है, तो हम यहाँ से ड्रॉ कमांड ऑन करते हैं। तो जैसे हम ड्रॉ कमांड ऑन कर रहे हैं तो ये आपके सामने स्क्रीन पर कुछ ड्रा कमांड्स जो हैं वो ऐड हो गई हैं, जिसमें लाइन आपके सामने नज़र आ रही है, कंस्ट्रक्शन लाइन है, देन पॉली लाइन। तो हमने फर्स्ट अपनी टूल को यहाँ से ऑन किया, और हम यहाँ से अगर इसको स्विच करना चाहें तो हम स्विच भी कर सकते हैं, इसको किसी और प्लेस पे भी जाके आप ड्रैग करके प्लेस कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू, जैसा आपको कन्वीनियंट लगता है आप इसके साथ वैसे प्ले कर सकते हैं। इन कमांड्स को आप जहाँ रखना चाहें आप रख सकते हैं, बट क्लासिक का जो ऑलरेडी अवेलेबल वर्जन आप कभी देखेंगे तो उसमें ये आपका लेफ्ट साइड में नज़र आ रहा होता है, तो हम इसको फिलहाल लेफ्ट साइड पे रख लेते हैं। अगेन आप टूल्स में जाएं और टूल बार्स एंड देन ऑटो कैड, यहाँ से हम कुछ और भी टूल बार्स को ऑन करते हैं। जिस तरह ड्रॉ ऑर्डर है ये भी हमारा ऑन होना चाहिए, और इसके बाद हम टूल बार से जाके ऑटो कैड की फर्दर हम लेयर को भी ऑन करके रख लेते हैं। लेयर का बहुत ज़्यादा आगे हम यूज़ करेंगे ताकि हमें बार बार इसको भी एक्सेस ना करना पड़े, और हम इसमें से फर्दर लेयर के साथ मॉडिफाई ये कमांड्स भी हमारी यूज़ होंगी। सो हम मॉडिफाई को भी ऑन कर लेते हैं यहाँ से, और फर्दर अगर हम चाहें तो ये अगर आप नोट करें जैसे जैसे हम कमांड ऑन करते जा रहे हैं वो स्क्रीन पर किसी ना किसी प्लेस पर ऐड हो रही हैं, और आप इनको इजीली ड्रैग करके किसी और पोजीशन पर भी प्लेस कर सकते हैं। तो ये आपकी कन्वीनियंस के ऊपर है कि आप किस तरह कंफर्टेबल हैं इन बार के साथ। एंड देन हम प्रॉपर्टीज़ को भी ऑन करके रख लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। इसके बाद और भी आप बहुत सारी टूल वन बाय वन ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, हमें और इनकी ज़रूरत पड़ती जाएगी टूल बार्स, तो हम यहाँ से ऑन एंड ऑफ करते रहेंगे। लेकिन ये कुछ बुनियादी जो चीज़ हमारे पास तीन चार टूल बार्स इनको हमने ऑन कर लिया है, ये बेहतर होगा हमारे पास ऑन रहे। तो ये सेटिंग हमारी ऑलरेडी हम कर चुके हैं जिसमें हमने कुछ टूल बार्स भी ऑन कर लिए हैं, और अब हम इस सेटिंग को सेव कर लेते हैं। अब अगर आप इसको सेव किए बगैर हम इसे क्रॉस कर देते हैं और आप दोबारा जब ऑटो कैड ओपन करेंगे तो आपकी सेटिंग वही होगी जो जिससे हमने स्टार्ट किया था। तो इसको सेव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि जब हम दोबारा ऑटो कैड ऑन करेंगे तो ये सेटिंग्स हमारी सेव हो जाए। तो हम टूल्स में जाके और
वर्कस्पेस में जाके यहाँ पे सेव करंट एज, करंट मींस जो जिसमें अभी ये ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन है, अब हम इसको जो हमने चेंज की है जो चेंजेस उसको हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ वो आपसे एक नई टूल बार में नाम पूछेगा कि नई वर्कस्पेस जो आपने बनाई है, हम इसको वही नाम देते हैं जो प्रीवियसली वर्जन में चल रहा है, दैट इज ऑटो कैड क्लासिक। क्लासिक मीन्स वी आर वर्किंग इन सिंपल 2D ड्राइंग्स, सो हम यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं। अब हमारी जो है वो ऑटो कैड क्लासिक ड्राइंग सेव हो गई है। अब हम इसको चेक करना चाहें अगर कि क्या ये जो हमने सेटिंग्स की हैं ये सेव हुई हैं और ये लेयर वही है, तो अगेन हम वापस उधर ही आएंगे बॉटम राइट कॉर्नर पे, वहाँ पे वर्क स्पेस, जहाँ पे स्विचिंग जो हमारे पास ये आइकॉन नज़र आ रहा है, अगर आप इस आइकॉन पे क्लिक करें और अब अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑटो कैड क्लासिक की नई वर्क स्पेस एड भी हो चुकी है वो, और वो चेक ऑन भी है, मीन्स हम वर्क कर रहे हैं इन ऑटो कैड क्लासिक। अब अगर हम एक इस ड्राइंग को एक दफ़ा ऑफ करें और हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो हमने सेटिंग्स अभी की हैं ये सेव हो चुकी हैं या नहीं, जिन चीज़ों को अभी हमने जिन टूल बार को ओपन किया है, ऑन किया है हमने यहाँ पे, और जो बुनियादी 3-4 स्टेप्स किए हैं, अगर हम इनको चेक करना चाहें तो हमने इसको ऑफ कर लिया है। अब हम दोबारा इसको ऑन करके उनको चेक करते हैं, तो दोबारा सेम हमारी स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन मौजूद है जो कि आप सर्च बार में भी जा सकते हैं। हम स्क्रीन से ऑटो कैड ओपन करेंगे, विल टेक 2 सेकेंड्स। तो यहाँ से स्टार्ट ड्राइंग हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर, सो स्टार्ट ड्राइंग। और अब अगर आप नोट करें तो सेम सेटिंग्स जहाँ से अभी हमने अपना सिस्टम ऑफ किया था ये सेटिंग्स हो चुकी हैं। सो वंस यू आर डन विद दिस सेटिंग, तो आप इजीली जो है आप इसी वर्क स्पेस के अंदर फर्दर वर्क करते रहेंगे। बट अगेन इफ यू वॉन्ट टू स्विच दिस टू एनी अदर वर्क स्पेस, आप यहाँ पे उन बुनियादी वर्क स्पेस में से भी जा सकते हैं। इस टॉपिक के अंदर हमने नोट किया है कि हम वर्क स्पेस स्विचिंग कैसे करते हैं फ्रॉम ड्राफ्टिंग टू क्लासिक, और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, और उस सेटिंग को जब हम कर लें तो उसको सेव कैसे करते हैं।